Good morning students, welcome to TGS e-learning platform. So how are you all? I hope you all must be fine. So today I am here to teach class 3rd Hindi language, that is Vyakaran. So take out your books and stationery and open page number 16, lesson number 16. So in the previous video you must have been taught till lesson number 15, that was Anekar Kishav. Now today I will teach you lesson number 16, that is Muhavre Idioms. So students, पहले हम आपको बताएंगे कि मुहावरे क्या होते हैं. मुहावरे को इंग्लिश में हम लोग आइडियम्स बोलते हैं. और मुहावरे वो चीज़ होते हैं, वो शब्द होते हैं, जैसे कि जो वाक्यांश, जो वाक्य पूरे अपने जो वाक्य का जो अर्थ होता है, जो वाक्य लिखा हुआ है उसका अर्थ ना बता के हमें उसका विशेष अर्थ बताए कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है, इसको क्या बोला जा रहा है, उसको हम मुहावरा बोलते हैं. अब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. मुहावरे आइडियम्स, जो वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ का बोध ज्ञान न कराकर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उसे मुहावरे कहते हैं. ध्यान दीजिए, यहाँ पे भाषा में सुंदरता, आकर्षण और प्रभाव बढ़ाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है. कोई भी चीज़ हम लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं तो वहाँ पे एक मुहावरा लिख दिया अच्छा सा, क्योंकि वो चीज़ आकर्षण और सुंदर लगने लगे कि हमने ये ऐसे लिखा हुआ है ना. तो अब नेक्स्ट जैसे आपका है, जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता के अंधे की लकड़ी के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब सहारा थे उनके, तो यहाँ पे लिखा गया है. राणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता था, तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे हवा से बातें करता, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे मुहावरे. यहाँ अंधे की लकड़ी का अर्थ एकमात्र सहारा का था, हवा से बातें करने का अर्थ तीव्र गति से दौड़ना है. ठीक है ना, तो आपका ये अर्थ यहाँ पे बता रहा है कि इसका क्या मतलब होता है. नीचे गए मुहावरे अनेक अर्थ और वाक्य प्रयोग किए दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो. मुहावरे जैसे ये लिखे हैं, अब इनका क्या है, इनका अर्थ, और बताया गया है कि इस अर्थ, इस मुहावरे को, इस अर्थ को हम लोग इस किसी वाक्य में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको वाक्य बना के भी दिखाए गए हैं. मुंह में पानी भर आना, इसका मतलब होता है लालच आना. इसका वाक्य है, गरम गरम जलेबियाँ देखकर उसके मुंह में पानी भराया. मुंह फुलाना नाराज़ होना, छोटी छोटी बातों पर मुंह नहीं फुलाना चाहिए. फूलाना समाना, बहुत प्रसन्न होना. अपने पुत्र की सफलता पर वह फूलाना समाया. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 61. कान पर जूना रेंगना, कुछ भी असर ना होना. आंसू से कुछ भी कहो लेकिन उसके कान में जू नहीं रेंगती है, मतलब उस पर कोई असर नहीं होता है. अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना. दिन भर भाग दौड़ करने के कारण मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है. अक्ल का दुश्मन मूर्ख व्यक्ति, इसका क्या है, तुम तो पूरे अक्ल के दुश्मन हो, तुम्हें समझाना बेकार है. आंखें चुराना, बचकर निकल जाना, इसका क्या है, तुम मुझसे आंखें चुराकर क्यों निकल जाते हो. अब ये क्या है, आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना. तुम्हारी गालियों ने आग में घी डालने का काम किया. अगर मगर करना, टाल मटोल करना. तुम हर काम में अगर मगर करते रहते हो. ये क्या है, कलई खुलना, पोल खुल जाना. अब क्या है, तुम चुप रहो वरना मैं तुम्हारी सारी कलई खोल दूंगा. कलेजे का टुकड़ा बहुत प्यारा. संतान माता पिता के कलेजे का टुकड़ा होती है. चिकना घड़ा होना, ढीक व्यक्ति. शशांक तो पूरा चिकना घड़ा है, इस पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. टूट पड़ना, हमला कर देना. हमारी सेना अचानक दुश्मनों पर टूट पड़ी. घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना. परीक्षा के प्रथम आने पर मेरे घर में घी के दिए जलाए गए. छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना. हमारी टीम के मैच में विपक्षी टीम के छक्के छुड़ा दिए. ठीक है, नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 62. हवा में बातें करना, हवा से बातें करना का क्या हो जाएगा आपका, बहुत तेज दौड़ना. राणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता था. कमर कसना, पूरी तरह से तैयार होना. मैंने परीक्षा के लिए कमर कस ली है. कान भरना, चुगली करना. रमेश के कान भरने की आदत ठीक नहीं है. लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना. वह छोटी छोटी बातों पर लाल पीला हो जाता है. पहाड़ टूटना, भारी मुसीबत आना.
आ जाना। पिता की अचानक मृत्यु से रवि पर पहाड़ टूट पड़ा है। अब ये नेक्स्ट आपके एक मुहावरे ख़त्म होगा। ये आपको अच्छे से क्या करनी है, आपको रीड करनी है और अच्छे से आपको लर्न भी करनी है साथ ही साथ। अब ये एक्सरसाइजेस में आकर स्टूडेंट्स, ये है आपका एक्सरसाइज का जो कि प्रश्न उत्तर है। ये एक्सरसाइजेस और प्रश्न उत्तर के PDF आपको टेलीग्राम पे भेज दिए जाएंगे। आप वहाँ से देख के अपनी नोटबुक्स में, अपनी बुक्स में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सरसाइज खा में आते हैं, इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। अभी जो मुहावरे हैं इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। आंसू पोछना का मतलब होता है हिम्मत बांधना। अब इसमें वाक्य क्या बनेगा, वाक्य का हमने वाक्य क्या बना के मेरे साथ आप करके जाइए। दुख के समय कोई आंसू पोछने नहीं आता। नेक्स्ट है आपका गुड़ गोबर करना काम बिगाड़ देना। तो वाक्य का क्या प्रयोग होगा, रोहन हमेशा गुड़ गोबर कर देता है। अब नेक्स्ट है आपका ईद का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखाई देगा। वाक्य में प्रयोग है अरे तुम तो ईद का चांद हो गए हो। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 63 में आइए, अंगूठा दिखाना साफ मना कर देगा। इसका वाक्य क्या प्रयोग होगा, तुम हर बात को लेकर अंगूठा दिखा देते हो। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज गा में आइए, दिए गए मुहावरों के अर्थ बताओ। अंग अंग ढीला होना बहुत थक जाना। अक्ल का दुश्मन बुरा मूर्ख व्यक्ति। कलेजे का टुकड़ा बहुत प्यारा। टूट पड़ना यहाँ क्या है, टूट पड़ने का हमला कर देना। हवा से बातें करना बहुत तेज दौड़ना। अब एक्सरसाइज घा में सही के आगे टिक तथा गलत के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाओ। आग में घी डालना आग को और तेज जलाना। कलई खुलना पंगी गठरी खुलना। ये देखिए ये क्या है, आग में घी डालने का आग की आग को और तेज जलाना का ये हो जाएगा आपका क्रॉस, क्योंकि ये सही नहीं है, है ना। और कलई खुलने का आपका क्या हो जाएगा, बंगी गठरी खुलना, ये आपका रॉन्ग है, गलत है। लाल पीला होने का मतलब होता है बहुत गुस्सा आना, ये होना सही है। पहाड़ टूटने का हो जाएगा बड़ा भवन ध्वस्त होना, ये आपका गलत है, इसका ये मतलब नहीं होता है। चिकना घड़ा होना ढीठ व्यक्ति, ये आपका सही है, तो आपका यहाँ पर टिक मार्क हो जाएगा। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। अब इसमें देखिए बीच में लिखे मुहावरों को उनके अर्थ वाले गुब्बारों से जोड़ो। ये आपको क्या करना है, जहाँ पे ये जो लिखे हुए हैं ये आपको, ये आपके मुहावरे लिखे हैं, यहाँ पे आपके अर्थ लिखे हैं, इनको आपको इससे मैच करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9-11 होना, इसका हो जाएगा भाग जाना। इसका हाथ पाँव फूलना का हो जाएगा घबरा जाना। आंखें दिखाना का हो जाएगा डराना। आस्तीन का सांप हो जाएगा आपका छिपा शत्रु। कमर टूटना का हो जाएगा आपका हिम्मत हार जाना। उंगली उठाना का आपका हो जाएगा दोष लगाना। स्टूडेंट्स ये आपके एक्सरसाइजेस कंप्लीट हुई, ये लेसन कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या करना है, घर में अच्छे से इसको वीडियो को देखना है, अच्छे से सब कुछ रीड करना है, लर्न करना है, मुहावरों के अर्थ समझने हैं, एक्सरसाइज सारी फिलअप करनी है और PDF से देख के आपको अपनी एक्सरसाइज से क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट करने हैं। सो स्टूडेंट्स आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास टुमारो। थैंक यू सो मच।